31 साल पहले बने मोटर व्हीकल एक्ट में अब व्यापक स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं। बिल लोकसभा से पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा से पास के लिए रखा जाएगा। यहां पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। जानिए बिल में किस तरह होने जा रहे हैं प्रमुख बदलाव इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 3 दशक बाद केंद्र सरकार कई तरह के बदलाव करने जा रही है। हालांकि इसका मसौदा मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से बिल अटक गया था। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित बिल को लोकसभा में पास करवा लिया गया है। इस बिल के पास होने पर ट्रैफिक नियमों संबंधी सामान्य नियम तोड़ने पर पहले जो जुर्माना 300 रुपए लगता था, अब ये बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगा। पहले बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगता था, जिसे अब 5000 रुपए किया जाएगा। नाबालिग वाहन चलाता मिलेगा तो वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। कानून में वाहन मालिक पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। वाहन चलाने वाले नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चलेगा। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को भी अब हेलमेट लगाना होगा। हिट एंड रन के मामले में सरकार की तरफ से मुआवजा बढ़ाया गया है। पहले मृतक को 25,000 देने का प्रावधान था, अब 2,00,000 रुपए किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना 2,000 से बढ़ाकर 10,000 जुर्माना किया गया है। वहीं ऐसे मामलों में आरोपी वाहन चालक को 6 माह जेल होगी। नए मोटर वाहन अधिनियम संशोधन में कई मदों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 के बजाय 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा सवारी होने पर 100 से बढ़कर 1,000 रुपए जुर्माना किया गया। वहीं हेलमेट नहीं होने पर 100 के बजाय 1,000 रुपए जुर्माना, 3 माह लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 जुर्माना और 6 माह की सजा है। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 से बढ़ाकर 2,000 रुपए जुर्माना। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1 से 2,000 रुपए जुर्माना था और अब इसे बढ़ाकर 1 से 5,000 रुपए किया गया है। रेड लाइट जंपिंग, स्टॉप लाइन क्रॉस करना, मोबाइल पर बात के 2 बार ऑफेंस पर 10,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा है। भौतिक मानसिक रूप से अयोग्य होने पर वाहन चलाने पर 200 से 500 रुपए जुर्माना था और अब 1,000 से 2,000 इसे कर दिया गया है। गाड़ियों की रेसिंग करते पाए जाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। असुरक्षित दशा में वाहन चलाने पर 250 से 1,000 रुपए जुर्माना था और अब 500 से 5,000 रुपए किया गया। वाइपर, साइड ग्लास, रिफ्लेक्टर, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना इस श्रेणी में शामिल है। बिना वाहन पंजीयन पाए जाने पर 2,000 से 5,000 था जुर्माना, अब 5,000 से 10,000 रुपए किया गया है। बिना परमिट पाए जाने पर 2,000 से 5,000 था जुर्माना, अब 10,000 रुपए जुर्माना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट की ये कवायद देश भर में बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि यदि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने पर अधिक जुर्माना लगेगा तो जुर्माने से बचने के लिए लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे। देखना होगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के ये प्रयास कितने सफल हो पाते हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।